Hello, everyone. Sending love in the times of quarantine. So we landed, Hamayu and I, we landed early in the morning and we decided ourselves that we will not go to our home. So we are hotel and a Makami hotel and we are isolating ourselves for 14 days. We will not meet our loved ones, our friends. हमारी जो भी मीटिंग होगी यहीं से होगी. आप सबसे बात करते रहेंगे, घर के बने हुए खाने खाते रहेंगे, होटल की भी चीज़ें नहीं खाएंगे हम. और हमने बड़ा सोचा है इस बारे में. वाकई हम भी एक जिम्मेदार शहरी हैं, बाशिंदे हैं. और आप लोगों के कहने से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम घर नहीं जाएंगे. तो हमें एहसास था इस बात का और हमें पता है कि ये कितनी सीरियस चीज़ है. सो वी आर हियर और मैं दुआ करता हूँ कि हम सब खैरियत से रहें, आप सब भी खैरियत से रहें और इस कोरोना वायरस से हम सब की जान छोड़ें. आमीन. आबाद रहिए और सेहतमंद. हेलो हेलो एवरीवन. देखिए हम आज शूट कर रहे हैं, ये बिग बैंग प्रोडक्शंस की शूट है. काम ज़रूरी है जो वो करना है, और अगर हम ब्रेक ले सकते तो ज़रूर लेते हैं. लेकिन जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, इस वीडियो का मकसद यही है कि प्रिकॉशंस नहीं है. देखिए सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, मास्क भी हैं और सब ने पहने हुए हैं. सब ने मास्क पहने हुए, हमने भी पहने हैं ग्लव्स. सब ने ग्लव्स भी पहने हुए हैं और ये बहुत ज़रूरी है प्रिकॉशंस लेना, नॉट ओनली फॉर आर सेल्फ बल्कि दूसरों के लिए, क्योंकि फिलहाल घर भी जाना होता है. घर भी जाना होता है तो वी हैव हैंड सैनिटाइजर्स, अल्कोहल वाइप्स, थर्मामीटर्स और सबके लिए साइज की चीज़. आप घर भी ले जा सकते हैं अगर आप चाहें मास्क. और ये इसलिए रखे हुए हैं कि थर्मामीटर साफ करके टेम्परेचर भी चेक हो रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन. And stay healthy, stay safe, everyone. And this is a public service message. जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके लिए काम जरूरी है, वो प्लीज एहतियात के साथ काम करें और अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचें और ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम. आज मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी और वो बातें आपसे शेयर करूंगी जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने हम शो सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं आपकी ये बातें रीइन्फोर्स करूं. पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस टाइम पे जब दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो कि कोरोना वायरस है, ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम जितना हो सके घर पे रहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे नहीं रह सकते. उनके लिए, अपने लिए और इस वक्त एक्चुअली दुनिया में हर इंसान के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग. डोंट गो टू गैदरिंग्स, ट्राई टू स्टे होम एज मच एज यू कैन बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ये वायरस को फैलने से रोक सकता है. दूसरी बात, वॉश योर हैंड्स, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ये आपकी जिंदगी रोजमर्रा का एक होना चाहिए रूटीन, लेकिन अब तो बहुत जरूरी है कि आप अपने हाथ धोएं. थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज स्टॉप पैनिकिंग, स्टॉप क्रिएटिंग पैनिक. मैं जानती हूँ कि जब मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज या वीडियो मिलता है तो मैं पैनिक करती हूँ. मुझे आई हैव सीवियर एंग्जाइटी और मुझे होता है कि मैं क्या करूँ, किस तरह से चीज़ें ले आऊँ, ये कर लूँ. लेकिन आई थिंक वी शुड ऑल बी अ लिटिल बिट मोर पेशेंट विद दिस. जो चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए, वो हम करें. पैनिक ना मचाएं और पैनिक बाइंग ना करें. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम सब सारी चीज़ें ले लेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो एकदम से जाके चीज़ें नहीं खरीद सकते. एंड द फोर्थ थिंग विच आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑनलाइन इज दैट इज अ लॉट ऑफ नेमिंग एंड शेमिंग एंड दिस वन हैज़ इट एंड दैट वन हैज़ इट. दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो यू नो वी आर ऑल ट्राइंग टू डील विद इट इन आवर ओन वेज. एंड आई थिंक इस वक्त ज़रूरी ये है कि हम we should take it for what it is. It's a flu. We are not experts on it.
at least none of us are at the moment, so we let the experts handle that. Is waqt zaruri ye hai ki jo hamare haathon mein hai, jo hum kar sakte hain, wo hum kare. Ye zaruri hai. So also we all of us are in this together. I think it's time to be good to one another. It's time to be more responsible as human beings, as citizens. And I also think that it's time to be good again. Inshallah, we are all going to fight this together. And bahut jald puri duniya se hatiyab ho. Inshallah. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है. हैप्पी क्वारंटीन डे 6 और हम लोगों ने अपने आप को घर में बंद किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं, शादियों पे जा रहे हैं, जीटीज अटेंड कर रहे हैं और अपने आप को टू कूल फॉर स्कूल समझ रहे हैं. उल्लू के पट्टे, आप लोगों की वजह से हम सब इफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा सोशली डिस्टेंट रखें और कोशिश करें कि घर में बैठ के आई कैन गिव यू 3 थिंग्स जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं. नंबर 2 और नंबर 3. और अगर इससे भी आप बोर हो जाएं तो फिर नमाज पढ़ें, इट विल हेल्प. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वॉश योर हैंड्स. तो बड़ा गलत बिहेवियर था उनका, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. आप तो सुबह से रात तक टीवी पे यही समझा रहे हैं कि आपने हाथ नहीं मिलाना किसी से, और आप वही अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो फिर ये बड़ी ज्यादती वाली बात. तो ऑफेंड ना हो और लोगों से हाथ ना मिलाएं, जितना भी डिस्टेंस आप रख सकते हैं वो आप रखें. इसमें कोई किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, कोई किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, किसी की ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए. ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है इस चीज़ से थोड़ा दूर रहने का. अगर ये वायरस को स्प्रेड होने से ऐसे बचा सकते हैं तो ऐसे करना चाहिए. तो अपनी ईगो उसको साइड पर रख के लोगों से हाथ ना मिलाएं, और अगर कोई नहीं मिलता मिलाता आपसे हाथ तो अफ्रेंड ना हो.